मैं पुनः जो है आपको हैमर के बारे में बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो है आपको स्ट्रेट पेन हैमर तक ही बता पाया था उस टाइम पे अपनी पिछली वीडियो में। तो मैं आज आपको जो है स्लेज हैमर के बारे में बताता हूँ। स्लेज हैमर इस तरह का होता है कि ये हमारा लगभग वर्कशॉप में प्रयोग किया जाता है। आप किसी कोई कारखाने में कोई भी काम कराने जाते हैं तो वहाँ आप देखते हैं लोहार जो होता है, वहाँ का जो कार्य करने वाला मजदूर होता है, वो एक हैमर पकड़ के उसको उठा के किसी भी चीज पर पटक रहा होता है। उस हैमर का नाम जो होता है वो स्लेज हैमर होता है, क्योंकि ये जो होता है हमारा ये हमारे ब्लैक स्मिथ शॉप में अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं। ये गर्म और ठंडी दोनों दशा में प्रयोग किए जाते हैं, गर्म जॉब व ठंडी जॉब दोनों मतलब दशा में प्रयोग किए जाते हैं। जहाँ पे हमारी लोहे को गला कर नया निर्माण करके उसको ठोकना पीटना, उस जॉब को ठोकना पीटना मतलब गर्म जॉब हॉट जॉब और वह कूल जॉब दोनों जॉबों को ठोकने के लिए हमारा स्लेज हैमर का प्रयोग किया जाता है। स्लेज हैमर लगभग 2 किलो से 10 किलो तक पाए जाते हैं, इनका तौल जो होता है 2 किलो से 10 किलो तक पाया जाता है। फिर क्या होता है, ये हमने आपको बताया ना ब्लैक स्मिथी शॉप, जहाँ पे ब्लैक स्मिथी शॉप होती है मतलब जहाँ पर लोहे को गला कर कंपनियों में देखा है ना आपने, या छोटे छोटे वर्कशॉप जो बने होते हैं ट्राली बनाने वाले या किसी भी टाइप का लोहे का कार्य करना, चैनल बनाने वाले, इस टाइप का जो कार्य करते हैं भारी बड़े भारी कार्यों के लिए जो हमारा होता है वो स्लेज हैमर प्रयोग किया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है सॉफ्ट हैमर। सॉफ्ट हैमर आप नाम से ही आपको लग रहा है सॉफ्ट नरम होगा, तो वो जब आप उसका नाम ही आप सुनकर, जैसे आपने बाल सुना तो बाल की पहचान आपको पता हो गई कि ऊपर का पेन जो था उसका बाल था। फिर आपने क्रास सुना, क्रास में आपने उसका हैमर देखा, आपने हैमर में हैंडल और आई होल के सामने सील में जब देखते हैं तो उसका क्रास मुख दिखता है, उसका क्रास बना हुआ दिखता है, तो क्रास पेन हैमर हो जाता है। सेम पोजीशन जो हमारा हैंडल आई होल जो हम सीस से देखते हैं तो उसमें जो हमारा उसको स्ट्रेट दिखाई देता है बिल्कुल सीध में दिखाई देता है, तो हम स्ट्रेट पेन हैमर हो जाता है। स्लेज हैमर आपको बता दिया मैंने, भारी होता है, बड़ा होता है, वजन में 2 किलो से 10 किलो तक पाया जाता है, 10 किलो वजन मतलब भर का होता है, तो वो स्लेज हैमर मतलब बड़े भारी कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। सॉफ्ट हैमर आपको नाम से ही पता चला सॉफ्ट हैमर का प्रयोग जो होता है नरम धातुओं पर किया जाता है, तांबा पीतल रबड़ बक्से की चादरें इस सब जगह प्रयोग किया जाता है ठोकने के लिए, हल्की चोट लगाने के लिए। उस पे क्या होता है, किसी मान लीजिए हमने एक पीतल का आइटम खरीदा उसमें एक बबलिंग हुआ निकला हुआ है, तो हम उसको ना तो बॉल पेन हैमर से, ना तो क्रास पेन हैमर, ना हम स्लेज हैमर, ना स्ट्रेट पेन हैमर, हम सॉफ्ट हैमर का प्रयोग करेंगे। उससे हल्के हल्के उस पे टिक मारेंगे और उसका जो बबलिंग निकला हुआ होगा उसको सही कर देंगे। क्यों सही कर देंगे, क्योंकि सॉफ्ट हैमर में स्क्रेच नहीं आएंगे, सॉफ्ट हैमर जिस चीज को ठोकेगा उस पर स्क्रेच नहीं आएंगे, तो स्क्रेच को बचाने के लिए हम सॉफ्ट हैमर का प्रयोग करते हैं हल्के कार्यों के लिए। सॉफ्ट हैमर हमारा निम्न टाइप से होता है, एक हमारा राहाइड हैमर होता है, इसका जो आकार होता है मैं आकार आपको बता रहा हूं, स्क्वायर टाइप का होता है और इसमें हैंडल लगा हुआ होता है। फिर इसमें क्या करते हैं, इसमें अंदर एक स्लॉट कटा हुआ होता है गोल टाइप का, मतलब ड्रिल से होल किया हुआ होता है और इधर भी ये होल किया होता है, होल के अंदर हम चूड़ियां बना देते हैं, उन चूड़ियों इस पे चूड़ियां बना देते हैं, दोनों होल्स पे चूड़ियां बना देते हैं। उन चूड़ियों में क्या होता है कि हम ले रहे हैं राहाइड हैमर। राहाइड आप नाम से ही जान रहे हैं, कच्चा चमड़ा, चमड़े का कोई आकार लेकर उसपे एक बोल्ट फिट है, उस बोल्ट को उठाकर मैंने इस आकार को इस पे कस दिया, समझ गए, इधर भी कस दिया और इधर भी कस दिया, तो ये रॉ हेड हैमर कहलाएगा, तो ये भी एक टाइप का सॉफ्ट हैमर ही है। फिर आपका आता है नायलॉन हैमर, फिर आपका आता है प्लास्टिक हैमर, नायलॉन का भी सेम साइज इसी टाइप से बनाया जाता है, प्लास्टिक हैमर भी इसी टाइप के बनाया जाता है, तो ये छोटे छोटे कार्यों के लिए, पार्ट पे चोट मारने के लिए, हल्की चोट मारने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। क्यों लाए जाते हैं, कि किसी पार्ट पर चोट मारने के बाद उस पर स्क्रेच ना पड़े। फिर आता है आपका क्ला हैमर।
क्ला हैमर लगभग जो हमारे ये वर्क जो है फिटर वर्कशॉप का है, फिटर का महत्वपूर्ण टॉपिक है ये हैमर जो होता है, फिटर का महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, क्योंकि जब हम किसी जॉब को बनाते हैं तो उसपे मार्किंग मीडिया लगाकर मार्किंग करने के बाद जब लाइनों को पक्का करना करने का कार्य आता है तो उस जगह पर हम हैमर का ही प्रयोग करते हैं। उसमें कौन सा हैमर आपका प्रयोग करते हैं वो आपको मैं बता चुका हूं कि बॉल पेन हैमर प्रयोग करते हैं। फिर क्या करते हैं, दूसरा जो हमारा क्ला हैमर होता है ये इलेक्ट्रिकल वाले अधिकतर प्रयोग में लाए जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल वाले जो होते हैं इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड में पाए होते हैं बच्चे होते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के, वो किसी बक्से को मतलब किसी लकड़ी के बक्से को बनाने के लिए छोटी छोटी कील ठोकने के लिए जब उनका वर्क होता है तो वो क्ला हैमर का अधिकतर प्रयोग करते हैं। इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि क्ला हैमर की बनावट, मैंने बताया था कि बनावट के हिसाब से उसका नाम प्रदर्शित हो जाता है, तो इस पेन की जगह वो इस टाइप से मुड़ा हुआ होता है, इस पेन की जगह जो होता है वो इस टाइप से मुड़ा हुआ होता है ऐसे, और इस पे ऐसे इस टाइप से क्लाप ये मुड़ा हुआ आकार होता है, पेन मुड़ा हुआ तरफ से होता है। जब हम किसी कील को ठोकते हैं, कील को किसी क्ला हैमर के द्वारा किसी कील को ठोकते हैं, ये एक विशेष प्रकार का होता है, इसका जो फेस भी होता है वो हल्का गोल टाइप का अंडा का आकार का होता है, किसी कील को ठोकते हैं, ठोकने के बाद वो कील जो होती है हमारी मुड़ जाती है, जब वो कील हमारी मुड़ जाती है उस कील को यूज तो उसका बेकार हो गया, उस कील को निकालना है, तो किसी चीज से ठोकने और पीटने से निकालने से उस पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो उस चीज को बनाने के लिए हमने क्ला हैमर बनाया। उस क्ला हैमर की ये फ्लैट पे ये जो सेंटर में एक फ्लैट कटी हुई होती है इसके मुड़े हुए आकार में, तो उस पे रख के हमने धीरे से इसको बाहर निकाल लिया, कील को बाहर निकाल लिया, तो कील निकालने का भी कार्य करता है। तो इसलिए इलेक्ट्रीशियन वर्क जो इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय से जो आईटीआई किए होते हैं बच्चे, वो अधिकतर किसी वर्क को करने के लिए जब हैमर का प्रयोग होता है तो सर्वप्रथम वो क्ला हैमर ही प्रयोग में लाते हैं। फिर हमारा आता है मैलेट हैमर। मैलेट हैमर का प्रयोग, ये जो मैलेट हैमर आपको नाम से ही पता चल रहा, मैलेट हैमर जैसे आपको पता चला था सॉफ्ट हैमर, उसी टाइप से मैलेट हैमर। तो मैलेट हैमर का भी प्रयोग सीट मेटल वर्कशॉप में मतलब सीट मेटल के कार्यों में भी किया जाता है। फिर क्या होता है मैलेट हैमर, मैलेट मतलब लकड़ी, लकड़ी का ही पूरा हैंडल हो मतलब वो होता है हैमर, आगे का बेस भी जो आगे का उसका मुंह बना हुआ होता है इस टाइप से ही आगे का मुंह जो होता है वो भी लकड़ी का होता है, हैंडल वो भी लकड़ी का होता है। तो इसका प्रयोग लगभग सीट मेटल के वर्क पे करते हैं। क्यों सीट मेटल पे करते हैं कि हमने आपको बताया ना सॉफ्ट हैमर और मैलेट हैमर का प्रयोग लगभग एक ही जगह करते हैं कि स्क्रैच ना पड़े। तो इस तरह से हमारा हैमर का जो चैप्टर होता है वो हमारा जो हैमर का टूल जो है हमारा वो पूरा हमने आपको बिल्कुल कंथस्ट करा दिया। फिर क्या होता है कि आपको मैं एक और वर्क बता रहा हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हमारे ऑर्डिनेंस में और हमारे सेल भेल कोल गेल इस सब कंपनियों में लगभग पूछे जाते हैं, या हम किसी जगह अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करते हैं तो अप्रेंटिस में हमारे यहाँ क्या करते हैं, ये नॉर्मली ये जो हमारा है लगभग सभी टीचर आपको पढ़ा देते हैं। आप जब जाते हैं आईटीआई कॉलेज तो आपको लगभग सभी टीचर्स ये पढ़ा देते हैं, आपको ज्ञान इसका दे देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या करते हैं कि कंपनियों में इंटरव्यू में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप सोचते हैं कि वो हमको बुक में भी नहीं मिला और हम क्या करें, तो हम आपको कुछ चीजें कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैमर से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीजें आपको बताना चाहते हैं कि हैमर का जो हैंडल होता है जो हैमर का हैंडल होता है वो लकड़ी का होता है। लकड़ी का क्यों रखा जाता है, लकड़ी का आप तुरंत उसका आंसर देंगे कि झटके अधिक सहन कर लेते हैं, किसी चीज पर चोट मारने के साथ यदि हम उस चीज को स्टील का या लोहे का उस पर वेल्डिंग करा दें हैमर पर, तो जब हम किसी चीज पर चोट मारेंगे तो हमारे हाथ पे उसकी कंपन आएगी मतलब झटका लेगा, तो हमारे हाथ पे भी जितनी तेज ठोकेंगे मारेंगे चोट मारेंगे उतनी तेज हमारे हाथ पे चोट लगेगी, तो हम उस जगह लकड़ी का हैंडल प्रयोग करते हैं। लेकिन आप क्वेश्चन आपका ये आता है कि उसमें हैमर में किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है,
तो उसमें हैमर में हिकरी नामक, हिकरी और दूसरा होता है अकारिया। हिकरी याद कर लीजिएगा आप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके ऑर्डनेंस फैक्ट्री में ज्यादातर अधिकतर पूछे गए हैं। तो हिकरी और अकारिया, अकारिया जो होती है वो बिना गांठ की, दो पॉइंट लिख के आते हैं, अकारिया गांठ वाली, एक अकारिया बिना गांठ वाली। तो आप बिना गांठ वाली जो होती है वो लकड़ी जो होती है हिकरी, एक होती है लकड़ी हिकरी, हिकरी और दूसरा होता है दूसरी होती है अकारिया बिना गांठ की, वो प्रयोग में लाई जाती है। फिर क्या होता है, फिर एक क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हैमर की जो हैंडल होता है उसकी लेंथ कितनी होती है, उसकी लेंथ कितनी होती है। तो हैमर के हैंडल की जो लेंथ होती है, हैंडल की लेंथ वो 25 सेंटीमीटर से 32.5 सेंटीमीटर तक पाई जाती है छोटे घर में। फिर क्या करते हैं, स्लैज हैमर जो बड़े कार्य आ जाते हैं, आपको बताया ना स्लैज हैमर बड़े कार्यों के लिए, तो उसमें 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक हैंडल की लंबाई रखी जाती है। फिर हमारा होता है हैमर की हैंडल जो होता है उसको होल्ड करने के लिए क्या करते हैं हम, मतलब किसी चीज पर चोट मारने के लिए जब हम हैंडल लेते हैं तो उस हैमर को उठाते हैं, तो हैंडल हैमर से हैंडल की हाथ की दूरी कितने सेंटीमीटर रखी जाती है। अब ये पॉइंट आपको कौन पढ़ाता है, तो इस टाइप से हमारे जो हम वीडियो बनाते हैं आपको नए नए जो छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपको कभी आप बुक में भी नहीं पाते हैं, उस टाइप से आपको इंटरव्यू और अच्छे लेवल की जो कंपनियां आपकी आती हैं उसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं वो हम आपको वीडियो में अन्य अलग अलग सारी वीडियो में बताते रहेंगे। तो आपका जो हैमर होता है वो हैमर के सिरे से 15 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर हाथ द्वारा कस कर पकड़ा जाता है, समझ गए तुम, 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हाथ द्वारा कस कर पकड़ा जाता है। फिर क्या होता है, एक 15 सेंटीमीटर मतलब छोटे कार्यों में और 30 सेंटीमीटर बड़े कार्यों में। फिर वेज, आपको हमने सर्वप्रथम बताया था कि किसी हैमर को, हैमर और हैंडल को फिट करने के लिए हम वेज का प्रयोग करते हैं। वेज का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि उस हैंडल को कसने के लिए हम वेज लकड़ी का एक टुकड़ा लगाते हैं, उस लकड़ी के टुकड़े की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। अब ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो हमारा जो वेज की चौड़ाई होती है वो हमारी लगभग पहले लंबाई क्या होती है, 2.5 वो चौड़ाई जो होती है वो 2.5 mm होती है और लंबाई जो होती है वो 20 से 25 mm, 2.5 mm लंबाई और 20 से 25 mm चौड़ाई हमारी जो होती है वेज की होती है, जो हैमर के हैंडल में वेज लगाई जाती है उसकी होती है। तो इस तरह से हम जो आपको हैमर का विस्तार, पूरी तरह से आपको हैमर का जो हैमर टूल है वो पूरा मैंने आपको एक तरह से बता दिया है। अब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टूल के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो, अब लगभग हमारे रेगुलर जो वीडियो सबमिट रहेंगे, तो आप पढ़ते रहिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट लेते रहिए। धन्यवाद।